हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, फाइनली आपकी एसएससी सीजीएल की आंसर की आउट हो चुकी है और आपके मार्क्स भी आपने चेक कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं अपने मार्क्स बताने वाला हूँ कि मेरे एसएससी सीजीएल 2023 में कितने मार्क्स बनने हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर आंसर की चेक नहीं की है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। देखिए, ये टेलीग्राम पर आप जाएंगे, सर्च बार में सर्च मारेंगे द एग्जाम हेल्पर, तो आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिंक डाल दी थी, जैसे ही आया था मैंने अपडेट भी दिया था कि 5 बजे आपकी लिंक आउट होगी। और जैसे ही लिंक आई थी मैंने आपको लिंक दे दी थी आंसर की, बस केवल आपको इस लिंक पर ऐसे क्लिक करना था और आपके सामने वो विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट जो है वो शो होने वाला है, इस तरीके से आपकी जो आंसर की है यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना था और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना था और नेक्स्ट कर देते लॉगिन करके, तो आपकी जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया वो जाइए इस मेथड से अपने आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर द एग्जाम्पल पर सर्च मार देने या ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर जब मैंने चेक कर लिया उसके बाद, और आप भी बताइएगा कि अपने आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा जो एग्जाम था वो 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में था और ये एक हार्डेस्ट शिफ्ट में से एक थी। ठीक है, और जो मेरे मैंने यहाँ पर मेरे अटैम्प्ट लिखे हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेरे राइट कितने हैं, ये रॉन्ग कितने, ये बता रखा है। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है बट फिर भी इतने हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई मैंने की नहीं थी, बस नॉर्मली बस, बट मैं एग्ज़ाम देने ही चल गया था नॉर्मली, फिर भी मेरा लगभग हो ही गया, हो जाएगा यहाँ तक इतने में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा तो उसमें हो जाएगा। तो देखिए, रीजनिंग में मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे, 22 की 22 सही है। 3 जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से मैंने छोड़े। तो दोस्तों, रीजनिंग में मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो था एक तो एक नंबर था रीजनिंग का, जो कि ये था 45, 15, 20, 10, 125, इसका आंसर 25 है, बट मैंने ये छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। दूसरा मैंने छोड़ा था 19 नंबर पे, आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था, देखिए इसमें भी जो नंबर्स वाला है, नंबर्स को अरेंज करके कुछ निकालना था, तो इसका 77, 18, 5 आया था। तो आप बताइए अगर इन क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन आते हो तो। ठीक है, और एक मैंने छोड़ा था दोस्तों 22 नंबर, 22 नंबर में जो डायग्राम आ रहा था, मतलब ये बहुत अच्छा लेवल का डायग्राम इन्होंने पूछ रखा था। ठीक है, ये वाला तो ये भी एक अच्छा लेवल था, तो ये भी मैंने इसको स्क्वीप कर दिया था। आप देख सकते हैं चूज़ ऑप्शन में मैंने कुछ भी चूज़ नहीं किया है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया जीके। तो जीके में मेरे दोस्तों कितने थे, 14 मैंने अटैम्प्ट किए थे, मेरे 12 सही हैं, 2 रॉन्ग हैं। अब 2 रॉन्ग कौन से हैं, तो 2 रॉन्ग मैंने इसमें दिखाता हूँ। मैंने बहुत मिनिमम मार्क्स किए, मिनिमम अटैम्प्ट किए थे दोस्तों, फिर भी गलत हो ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक पूछा था भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है, तो मैंने बिरजू महाराज लगा दिया था बट आंसर है उदय शंकर। ठीक है, एक ये था, एक 17वें नंबर का आंसर गलत था मेरा, 17वें पे पूछ रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डेस्क के रूप में जाना जाता था, तो मैंने लगा दिया था सेनाई मंडी, बट सराय अदल इसका आंसर था। ठीक है, तो 2 जीके में गलत हुए। अब बात कर लेते दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट थे 13 और मेरे जो सही आंसर हैं वो हैं 12, यानी कि एक गलत है, वो भी बहुत सिली मिस्टेक है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 17 नंबर का ये क्वेश्चन है, इतनी सिली मिस्टेक है ना दोस्तों, क्या बोलोगे आप। मतलब इसमें ये पूछा है कि ट्रायंगल की जो लेंथ है वो दे रखी है ए, और ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी ये सबकी बराबर होगी, और इसकी पूछे परित्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर ए अपॉन 2√3, पर परित्रिज्या वाला होता है ए अपॉन केवल √3, तो अपन को 12√3 करना था। √3 √3 करेंगे तो नीचे 3 ऊपर 12, 3 4 12, और √3 का ऊपर रैशनलाइज 4√3 आता, बट मैंने क्या है, इनर सर्कल लेके वो जो आंतरिक त्रिज्या लेके वो कॉर कर दिया, पर वहाँ पर ये बर्ड पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई, तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, 2√3 मैंने यहाँ पर आंसर इसको टिक कर दिया, तो ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक हो चुकी है, पर क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और इसके बाद इंग्लिश का मैंने 19 अटैम्प्ट किए थे, मेरे इसमें 14 सही हैं। ठीक है, जो 5 गलत हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर है मेरा 8 नंबर का, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें जो है ये एरर वाला था, तो ये मैंने 3 अटैम्प्ट किया था, इसमें पहला आंसर है। दूसरा मेरा गलत है 11 नंबर का, 11 नंबर में क्या था, इसने क्लियर का जो है एंटोनिम पूछा। अब अनटाइडी, अब मैं इसको नीट एंड टाइडी यानी क्लियर होता है यानी स्पष्ट, तो मैं इसको अनटाइडी पे लगा दी, बट ओपेक्यू माने भी अपारदर्शी होता है यानी कि अस्पष्ट, तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर है इसका। दूसरा, इसके बाद 22 नंबर गलत था, वो जो पैसेज आया था ना, पैसेज लास्ट वाला, इसमें मेरे 3 गलत हुए, एक तो 22 नंबर गलत हुआ है मेरा, इसके बाद एक 24 नंबर गलत हुआ है, और एक आपका 25 नंबर मेरा ये गलत हो चुका है। तो दोस्तों, ये मेरे इंग्लिश के थे। ठीक है, टोटल जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो है 68, जिसमें से राइट है मेरे 60, रॉन्ग है 8, तो राइट 60 को इनटू 2 करूंगा तो 120 मार्क्स बनते हैं मेरे, रॉन्ग के 8.5 का इनटू करूंगा तो
चार मेरे कटने चाहिए, तो जो मेरे रॉ मार्क्स बनेंगे वो 120 में से मैं चार नंबर घटा दूँ ये वाले, तो 116 मेरे रॉ मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं। अगर मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करूँ, क्योंकि एक टफेस्ट शिफ्ट में से मेरी एक शिफ्ट थी, तो 10 से 15 नंबर तक मेरे बढ़ सकते हैं और मेरा जो स्कोर है वो 125 से 130 के आसपास या इससे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर आपका इस शिफ्ट में था तो आप एक बार बताना। दूसरी बात कर, और दोस्तों मेंस एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दे दी, कब होगी, मैंने आंसर की के बारे में भी जानकारी दी, सटीक के 1 से 5 के अगस्त के बीच आपको देखने को मिलेगी, तो फाइनली 1 अगस्त को देखने को मिल गई। मेंस एग्जाम डेट कब है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, रिजल्ट कब आएगा ये भी वीडियो बना चुका हूँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि अभी अपकमिंग वीडियो आने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, इस वीडियो के बाद तो उसको देख लेना, और आप कमेंट में जरूर बताना आपका क्या स्कोर है। और मैंने एक पोल कंडक्ट कराया, देखिए ये मेरा चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पोल मिलेगा कि शेयर योर SSC CGL मार्क्स 2023 आफ्टर आंसर की कितना है, तो आप स्कोर बताइए, इससे अब एक डाटा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे आप तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी वीडियो बना रखी, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगी SSC 2023 रिजल्ट कब तक आने वाला है, और आपका जो मीन्स एग्जाम है उसके बारे में ऑफिशियल माध्यम से आपको अपडेट दिए, जिस तरीके से आपको आंसर की अपडेट देती कि इस दिन को आ जाइए और उसी दिन आइए। ठीक है, तो रिजल्ट का भी मैंने बता रखा है, तो भाई ये मत सोचना कि भाई रिजल्ट आएगा तब हम वेट करेंगे, एक बार वीडियो देख लेना पता चल जाएगा रिजल्ट कब आता है। और तो दोस्तों बिल्कुल अभी से मीन्स में लग जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, फिर बोल रहा हूँ। और जीके एंड कंप्यूटर की क्लासेस आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और एक्सपेक्टेड का वीडियो अभी आपको मिल जाएगा, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आप अपने मार्क्स जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कितना मार्क्स आ रहा है, और ये वीडियो जरूर देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।